हेलो लर्नर्स वेलकम टू ई विद्या क्लासेज माइ सेल्फ राजमोहन पांडे एसिओ फिजिक्स एन आईओ टूडे वी विल स्टार्ट आवर ए न्यू चैप्टर ऑफ सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स, चैप्टर नंबर इलेवन थर्मो डायनामिक्स थर्मोडाइनामिक्स ऊष्मागतिकी नेक्स्ट इज थर्मोडानेमिकम उष्मागतिकीय निकाय निकाय की बात जैसे हमने पहले देखा था कि जिस सिस्टम पे जहाँ पर को हम जिसकी बात कर रहे हैं कि वो जो हमारे पास बॉडी है उसको रखा कहाँ पर को है वो पार्ट सिस्टम को डिफाइन करता है निकाय को डिफाइन करता है तो निकाय जो हमारे पास हैं वो ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम पोजिशन बता रहा है कि जो कंटेनर हमने यूज़ किया हुआ है या जो जहाँ पर को हमारा जो रखा हुआ है जिसके टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में हमें बात करनी है बॉडीज़ की उनको तीन सिस्टम पर हम डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट इज ओपन सिस्टम खुला निकाय विच कैन एक्सचेंज मास एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग जहाँ पर को द्रव्यमान और ऊर्जा का जो ट्रांसफ़र है वो दोनों होता है सराउंडिंग के साथ जिस क्षेत्र पर उसको रखा गया इसका एग्जाम्पल देखें तो एक वाटर हीटर इस पर हीटर को जब हम वाटर पर डिजॉल्व करते हैं अंदर रखते हैं और ऑन करते हैं देन इट एक्सचेंज मास एंड एनर्जी ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी इंक्रीज होती रहती है और पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है सेकेंड क्लोज्ड सिस्टम बंद निकाय इन दिस सिस्टम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बट मासजन ट्रांसफर विद द सराउंडिंग ऊष्मा एक से दूसरे सराउंडिंग पर जा सकती है लेकिन जो एनर्जी है एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बट मास ट्रांसफर नहीं होता इसका एग्जाम्पल देखें एक गैस कंटेनर एक गैस कंटेनर है जिसपे पिस्टन लगा हुआ है जिसे हम प्रेस करके गैस को बाहर निकाल सकते हैं तो जब हम पिस्टन को प्रेस करेंगे तो एनर्जी बाहर की ओर को जा सकती है बट इस पर हम मास इन नहीं करा सकते सो इन नॉर्मल वे व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एनर्जी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं बाहर की ओर को निकाल सकते हैं बट एनर्जी मास को हम बाहर की ओर को नहीं निकाल सकते मास का एक्सचेंज नहीं होगा आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम इन कैन एक्सचेंज मास नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग जहां पर को ना ही ऊष्मा का स्थानांतरण होगा और ना द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा सराउंडिंग के साथ जिस वातावरण पर उसको रखा गया तो इस केस में अगर हम कोई कंटेनर लें जैसे एक थर्मोफ्लास्क है इस पर अगर पानी को हम बॉईल करके रखें और कोल्ड करके रखें या तो ठंडा पानी लें या गर्म पानी लें तो ऊष्मा न बाहर की ओर को जाएगी न इस में अंदर की ओर को जा सकती तो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा दूसरा मांस वेन वी क्लोज दिस फ्लास्क जब इस फ्लास्क को हम बंद कर दे रहे हैं तो इस पर नया हम द्रव्यमान एड नहीं कर सकते मास्क को इंक्लूड नहीं कर सकते सो द सिस्टम इज नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम वेर नॉर नीदर यूर मास नॉर एनर्जी ट्रांसफर्ड विथ यूर सराउंडिंग नेक्स्ट इज थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स इन थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं माइक्रोस्कोपिक जो किसी भी सिस्टम को काम करने पे उसके इंटरनल उस पर सराउंडिंग पे, पे डिपेंड करते हैं जैसे टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर एनी मैटर किसी भी मैटर के लिए टेम्परेचर हर वस्तु का तापमान फिक्स होता है वो चेंज किया जा सकता है बाय कोल्डनेस और हीटनेस ऊष्मा को देने से या ऊष्मा को लेने से कम करने या ज़्यादा करने से उसके टेम्परेचर परिवर्तन आ सकता है जैसे अगर हम एक कोल्ड कॉफिल एक हॉट कॉफिल उसे किसी सिस्टम पर रखें सराउंडिंग पर अगर हम उसे रख रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद उसका टेम्परेचर ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या कर रहा है वहाँ पर को डिपेंडेंट है सेकेंड इज प्रेशर उसका दबाव जब भी प्रेशर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे उसके शेप में उसके आकार में परिवर्तन होता है तो प्रेशर के थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट या उस गैस या और मैटर किसी के भी वॉल्यूम में परिवर्तन कर सकते हैं सेम लास्ट वन इज वॉल्यूम उसका आयतन किसी भी वस्तु का जो आयतन है उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है एक्सपेंशन से अगर एक्सपेंशन हो रहा है विस्तार हो रहा है तो उसका आयतन इनक्रीज होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा और कंप्रेशन अगर वो संपीडित होता है तो उसके आकार में आयतन में परिवर्तन होगा तो टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम ताप दाप और आयतन ये तीन के तीन थर्मोडाइनमिक वेरिएबल हैं जो ऊष्मा गति की बारे पे निर्भर करती हैं कि किसी भी ऊष्मा गति की जो कॉन्सेप्ट है वो इन तीनों पे डिपेंडेंट है इंडिकेटर डायग्राम। चैप्टर सेकेंड में हमने जब मोशन को पढ़ा था तो वहां पर हमने पोजिशन और टाइम और वेलोसिटी टाइम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था सेम यहाँ हम इस थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम दबाव वर्सेज आयतन इन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और ये ग्राफ हमारा इंडिकेटर डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है जैसे ग्राफ इंडिकेट्स हाउ प्रेशर ऑफ ए सिस्टम वेरिज विथ वॉल्यूम ड्यूरिंग ए थर्मोडाइनमिक प्रोसेस एंड नॉन एज इंडिकेटर डायग्राम किसी प्रेशर गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के साथ कैसे चेंज हो रहा है उस पर क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर की वैल्यू इनक्रीज हो रही है और वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होने पर प्रेशर पर क्या चेंजेज आ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जब हम रिलेशन प्लॉट करते हैं और वो रिलेशन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो इस टाइप के ग्राफ को हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं जैसे यहां पर देखा here we take pressure in y axis and volume in x axis when we plot graph between p versus v this represents indicator diagram of that thermodynamic process we have a volume at some time वॉल्यूम V1, वन एट दैट टाइम प्रेशर इज P1, V1 वॉल्यूम के लिए प्रेशर P1 है एंड एट V2 वॉल्यूम जब वॉल्यूम की जो मात्रा है वो V2 है उस टाइम पे जो प्रेशर है वो P2 है P वर्सेज V, जब भी हम प्लॉट करेंगे तो इससे हमें वगडन कैलकुलेट होता है कि सिस्टम के द्वारा थर्मोडाइनोमिक सिस्टम के द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है या कितना कार्य होगा अगर मैं एक छोटी सी स्ट्रिप इस पीवी रीजन पे लूँ ए बी सी डी द चेंज इन द वॉल्यूम वॉल्यूम में जो अंतर है वो सपोज डेल वी है एंड प्रेशर इज पी देन वकडन इज सपोज डेल डब्ल्यू डेल डब्ल्यू रिप्रजेंट कर रहा है वर्कडन को इस रीजन के लिए ए बी सी डी के लिए सो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइन पी टाइम्स डेल वी एंड पी टाइम्स डेल वी इज मेनली एरिया ऑफ ए बी सी डी ए इस ए बी सी डी और ए इस रीजन पे जो भी वर्क डन किया जा रहा है उसकी वैल्यू उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी और यही कार्य ऊर्जा को निरूपित करेगा फॉर v1 वन टू वी टू द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ वी वन to v 2 then v 2 to p 2 point p 2 to p 1 and p 1 to v 1 so area enclosed by the v 1 v 2 p 2 p 1 v 1 is gives द टोटल वर्क डन फॉर दिस पी वी डायग्राम तो जहां पर को एरिया चेंज इन वॉल्यूम वी वन वी टू है और चेंज इन प्रेशर पी टू माइनस पी वन है थर्मोडाइनमिक इक्विपीरियम थर्मोडाइनेमिक इक्विपीरियम इन्स इक्वल टेम्परेचर क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए किसी भी दो सिस्टम के बीच में जब तक टेम्परेचर इनक्रीज और डिक्रीज होने के बाद न्यूट्रल ना हो जाए तब तक वो थर्मोडाइनमिक इक्वेरियम की कंडीशन पे नहीं आती है जैसे कोई मैकेनिकल वर्क किया जाता है तो मैकेनिकल वर्क में जो हीट है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो एक से दूसरे में कन्वर्ट हुई कुछ एनर्जी उस वर्क डन को करने पर रिलीज हो जाती है और कुछ एनर्जी रिमेनिंग रहती है तो यहाँ पर को जो मैकेनिकल वर्क है जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इक्विवरियम में समान रूप से रहती है एंड फॉर केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट गेव टू द प्रोडक्ट जब तक उत्पाद उत, अभिकारक उत्पाद नहीं देते हैं तब तक वो केमिकल रिएक्शन रासायनिक जो अभिक्रिया है वो चलती जाती है उस अभिक्रिया पे जो एनर्जी है या तो वो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है देन The reaction is नॉन एजुअर balanced chemical reaction and the energy is in equilibrium for chemical reaction. रासायनिक अभिक्रिया के लिए ऊष्मा इक्वेरियम समान रूप से होती है फॉर thermodynamic equilibrium, ऊषमा गति के लिए ए सिस्टम विच एक्जिबिट थर्मल मैकेनिकल एंड केमिकल ऊष्मीय ऊष्मीय यांत्रिकीय और रासायनिक इक्वेरियम में समान रूप से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें और एनर्जी लॉस और एनर्जी गेन ऊष्मा का जो ह्रास है और ऊष्मा की जो प्राप्ति हो रही है दोनों अगर बराबर हों तो वो इक्वेरियम की कंडीशन कहलाती है इज सेट टू बी इन थर्मोडाइनमिक इक्वेरियम हम उसे क्या कहेंगे कि वहाँ पर को वो थर्मोडाइनेमिक इक्वेरियम में तीन की तीन चीजें थर्मल टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए मैकेनिकल एनर्जी जो भी यांत्रिक कार्य किया गया है उसमें उष्मा का मान समान रहना चाहिए और केमिकल एनर्जी तो केमिकल रिएक्शन में भी इक्वेरियम में होना चाहिए इन द थर्मोडाइनेमिक इक्वेरियम द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम माइक्रोस्कोपिक जो सबसे ज़्यादा काम करती हैं टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम ऑफि सिस्टम इन दिस स्टेट डू नॉट चेंज विथ टाइम ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं बट उन पर चेंजेज आते हैं जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा लेकिन वो इक्वेरियम की पोजीशन पर आने से वो रिड्यूस्ड रहता है वॉल्यूम में चेंजेज आया वो वॉल्यूम तब तक ही चेंज होगा जब तक उसकी क्या है वर्कडन उस पर किया जा रहा है और प्रेशर एक से दूसरे पे जब कन्वर्ट होता है तो उसमें एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है सो ओवरऑल द एनर्जी इज कंजर्व्ड थर्मोडायनामिक प्रोसेस थर्मोडायनामिक्स में हम जो प्रोसेसेस हैं वो हैं हमारी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल एडियाबेटिक आइसोवैरिक एंड आइसोक्रोनिक तो प्रोसेस प्रोसेस मीन्स कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेज से इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी तक कैसे चेंज हो रहा है तो उस चेंजेज पे हम निम्न प्रोसेस के बारे में अब इससे आगे देखेंगे जैसे केमिकल प्रोसेस के, तो केमिकल में रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ओर को जाता है रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं तो प्रोसेस कैसे उस पर एनर्जी पे उसके चेंजेस जाएगा सो फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल जिसे हम वापस प्राप्त कर सकते हैं इनिशियल स्टेज से किसी फाइनल स्टेज पे जाने पे। प्रारंभिक अवस्था से किसी दूसरी अवस्था पर जाने के बाद हम पुनः उसे जब प्रारंभिक अवस्था पर ला सकते हैं तो उस प्रोसेस पे वो रिवर्सिबल प्रोसेस है सो इफ ए प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड सो दैट ऑल इंटरमीडिएट स्टेजेज बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेज आर इक्वेरियम कि प्राथमिक से अंतिम उत्पाद बनने तक जो एनर्जी है वो कंजर्व रहे एंड द प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड बैक अलोंग द सेम इक्वीरियम और उसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम इट्स फाइनल स्टेट टू द इट्स इनिशियल स्टेट इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस इसे रिवर्सिबल या उत्कर्मणीय अभिक्रिया प्रोसेस कहा जाता है जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें एक आइस क्यूब बर्फ इस में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तापमान का जो मान है उसे बढ़ाया जाएगा सो आइस कन्वर्टेड टू वाटर टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो आइस क्यूब कन्वर्ट हो जा रही है वाटर पे, व्हेन दिस अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिड्यूस्ड यदि जो हमने टेम्परेचर दिया है उस अमाउंट को अगर हम रिड्यूस करें और इसे कूलिंग पे लाएँ टेम्परेचर को डाउनवर्स कर रहे हैं कम कर रहे हैं देन वाटर इज कन्वर्टेड टू अगेन आइस क्यूब तो जो पानी है वो दोबारा से बर्फ में बदल जाएगा सो रिवर्सेबल प्रोसेस ये इनिशियल कंडीशन थी आइस क्यूब इनिशियल से वाटर फाइनल स्टेज पर गया और फाइनल स्टेज से अगेन इनिशियल आइस क्यूब में बन गया तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इनिशियल से फाइनल बने बट उसमें इक्वेरियम रहे टेम्परेचर जो हीट है वो इक्वेरियम में रह रही है जब उतनी हीट हम दोबारा रिड्यूस कर देते हैं उससे और वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं सेकेंड इज इिवर्सिबल अनुत्क्रमणी प्रोसेस जैसे हमने रिवर्सिबल पे देखा था कि कोई भी इनिशियल से फाइनल की ओर को जा रहा है फाइनल पोजिशन पर पहुँच रहा है और फाइनल से जो हीट हमने उसको या तो लॉस किया होगा या गेन किया होगा या तो ऊष्मा का मान हमने बढ़ाया होगा या कम किया होगा और वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है तो वह प्रक्रम हमारा उत्क्रमणी था अब यहाँ अनुत्क्रमणी ए प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिटार्डेड अलोंग द सेम इक्वेरियम स्टेट फ्रॉम फाइनल टू द इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड इ रिवर्सिबल यदि हम किसी प्रक्रम में उस की प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते तो इस प्रकार के प्रक्रम को हम अनुत्क्रमणी प्रक्रम कहते हैं एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो वाटर स्टीम पानी को जब हम गर्म कर रहे हैं तो उससे भाप बन जाती है हम उस भाप को अगर टोटल कन्वर्ट भी कर लें उसको ठंडा भी कर लें तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते और इस वाटर के साथ प्रोसेस को हम इंक्रीज करते हुए हैं तो आइस बर्फ से डायरेक्ट अगर आइस को हीट किया जाए और वो बिना वाटर पर पहुंचे दोबारा स्टीम में चला जाए अब इस स्टीम से हम दोबारा बर्फ नहीं बना सकते तो ये प्रोसेस हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस है और रस्टिंग ऑफ एन आयरन किसी कील पे, किसी लोहे पे जंग का लगना यदि किसी कील पे जंग लग जाती है रस्टिंग हो जाती है तो पुनः हम उस रस्टिंग को हटाते हुए प्योर फॉर्म में उस आयरन को नहीं ला सकते शुगर डिजॉल्व इन वाटर इफ़ यू टेक ए कंटेनर विथ सम वाटर अगर एक कंटेनर लें उसमें पानी डालें और सम सुगर क्यूब्स चीनी को इसमें ऐड कर रहे हैं और दोनों ऐड हो जाएं, डिजॉल्व हो जाएं, चीनी पानी के साथ खुल जाए अब हम दोबारा इस सॉल्यूशन से शुगर को चीनी को प्राप्त नहीं कर सकते तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसे इर प्रोसेस कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस आइसो मीन्स सेम कांस्टेंट थर्मल टेम्परेचर तो जहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है नियत रहता है ए थर्मोडाइनमिक प्रोसेस दैट अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द एक्सपांसन एंड द कंप्रेशन ऑफ ए परफेक्ट गैस इन ए सिलेंडर मेड ऑफ परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स आर आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एग्जाम्पल्स नेक्स्ट सेशन पर हम इससे आगे बात करेंगे थैंक यू